मीरा के चाचा बीमार हैं और उन्हें देखने के लिए वो कल्याण गई हुई है, जिसकी वजह से मेरे पति आनंद माथुर के घर की हालत बिना डायरेक्टर के फिल्म जैसे हो गई है। दीदी अब देखिए क्या हंगामा है। वॉशिंग मशीन में अभी अंगून क्या पहनेगा? जो कल पहना था वो मैला है। मैंने तो नहीं बोला था कि हर दिन कपड़े मैले करो। अब उंगलियां ना मिट्टी में नहीं लेता, क्या करेगा? अब उनका पसीना इसको जैसा है। मम्मी ने बोला है एवरीडे नया यूनिफॉर्म पहनने का। मम्मी तुम्हें दिन में 3 यूनिफॉर्म दे सकती है, उसके तो 10 हाथ है। फिर अब उनको क्यों 2 इंच दिखता है? और ये क्या, आज फिर टिफिन बॉक्स में बिस्किट दिए, गरम नाश्ता क्यों नहीं दिया? क्योंकि गरम नाश्ता आज बना ही नहीं, आज तो यही ले जा। ये मेरा शर्ट प्रेस क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं धोबी नहीं हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं क्या-क्या करूँ? मैं कपड़े धोऊँ, कपड़े प्रेस करूँ, बर्तन मांजू, फोन अटेंड करूँ, मैं क्या-क्या करूँ? रो मत, मुझे मालूम है तुझे सारे काम करने पड़ते हैं। वो बाकी की 2 बड़ी कन्याएं कहाँ गई? राधिका, सिडनी, जाती हूँ मैं, जल्दी है क्या? डैडी, आपने मुझे बुलाया था? नहीं, पड़ोस की सीटी को मैंने आवाज दी। मुझे लगा आपने मुझे बुलाया है। जाती रुक जा। जाने वाली, तुम मीनाक्षी को मदद क्यों नहीं करती? मैं बहुत मजबूर हूँ डैडी। क्यों? मेरे हाथ में मेहंदी लगी है ना। मेरी शादी है क्या? चश्मिश का एग्जाम चल रहा है, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करे इसलिए उसने अपना सुनने का मशीन कबाट में रख दिया है। लाउड स्पीकर लेकर भी चिल्लाओगे ना तो भी नहीं सुनाई देगा। इसे कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। बहरा होने का क्या फायदा उठा रही है मेरी बे? बहरा होने का क्या फायदा उठा रही है मेरी बे? पानी पीना चाहिए। किसने मना किया? पी लो, अपना ही घर है। अरे अपना ही घर तो तुम लाके ला। मैं लेके आती हूँ। मैं एक बात पूछ सकता हूँ? ये क्या है? हर वक्त ये टोपी पहन के क्यों घूमते रहते हो? क्योंकि मुझे टोपी फिराने का आदत है। ये लीजिए। ये क्या है? इसे हम लोग कटोरा कहते हैं। हम लोग कटोरा कहते हैं? हमारे घर के सारे गिलास बेच दिए क्या? नहीं, धोने गए हैं। पिछले 30 घंटों से एक भी बर्तन नहीं धुला। मैं वजह पूछ सकता हूँ? 2 दिन से सखुबाई नहीं आई। उसका भी चाचा बीमार है क्या? क्या रे, बीवी को सखुबाई के साथ कंपेयर करते हो? मर गई, लेकिन घंटे में टांग डालने की आदत नहीं गई। 9:30 बज गए, अगर 9:40 का ट्रेन मिस हो गया तो आज भी लेट हो जाएगा। राम दुलारे मैके गई, खटिया हमरी खटिया। मम्मी को ये भी बताना पड़ेगा कि तुम्हारे जाने के बाद डैडी को राम दुलारी का नाम लेते थे। जाती हूँ मैं, जल्दी है क्या? हाय शकुबाई। वाह, व्हाट स्टाइल, व्हाट मेकअप! मुझे पता है ये जरूर लेटेस्ट अफ्रीकन फैशन हो गया है ना। नेक्स्ट ईयर के मिस यूनिवर्स में तो ये सेंसेशन क्रिएट कर देगा। मेरे नवरे ने मेरे को मारा। पागल हो गया होगा। नहीं नहीं, दारू के वास्ते पैसा मांग रहा था, मैंने नहीं बोला इसके वास्ते। मोनोपोली ब्लास्ट करने का बारूद मिल गया, पकड़ ले इसे। स्वीटी तू जा, तू मेहंदी लगा, ओके? जा। सखुबे तुम आओ मेरे साथ। बैठो बैठो बैठो। अरे वहां नहीं, यहां बैठो।
लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मैंने कहा ना बैठो, यहाँ बैठो। अच्छा आ जाओ। नहीं नहीं भाई, तुमने गरीब मानुस को आंसू पोछा, देव तुमको अच्छा नौरा देगा। अरे मेरे नौरे का छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ ये सब कब क्यों और कैसे हुआ। भाई उस दिन वो शाम को आया और उसका नाम हटो, हम लोगों में मरद का नाम नहीं लेते। अच्छा है, लेना भी नहीं चाहिए उस शैतान का नाम। तो वो शाम को आया और मेरे पास दारू के वास्ते पैसा मांगने लगा, फिर मैंने शाप मना कर दिया। अच्छा किया। तो कोल्हापुरी चप्पल लेके मेरे को मारना। चप्पल का नंबर मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस तरह के निशान किस नंबर की चप्पल से बनते हैं। वो ना 10 नंबर का चप्पल पहनता है। आदमी है या ऊंट? छोड़ो जाने दो, तुम मुझे प्रैक्टिकली ये सब बता सकती हो? अगर भाई यानी कि करके करके नहीं बाबा नहीं। अरे नहीं क्यों? अरे चलो उठो। अरे तुम मुझे बताओ उसने किस तरह से तुम्हें मारा। अच्छा हाँ, उसने पहले मेरा बाल पकड़ा कोने में धकेला और फिर कोल्हापुरी चप्पल निकल गई। किसमें कितना दम है? अरे काजल समझ ना, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। एक्चुअली मैंने उसे कहा था। तुम्हारा दिमाग सटक गया है? तुमको मार खाने का इतना ही शौक था तो अपुन को बोलना चाहिए ना, अपुन मस्त चंपी करके देता था। ये 2 टके का नौकरानी के हाथ से मार खाने से पहले जरा अपना कुल खानदान स्टेटस का तो ख्याल करना चाहिए ना तुमको। अरे बाबा मैं उससे पीट नहीं रही थी, वो मुझे बता रही थी कि उसके हस्बैंड ने उसे कैसे मारा। क्या चकू भाई 12? अरे बाबा बोला ना 12 नहीं मारूंगा। चल बाप रे, कितना बुरी तरह से मारा है। साला समझता क्या अपने आप को, मर्द होकर औरत पर हाथ उठाता है। देखो ना, टंगड़ी तोड़ के हाथ में दे दूंगा, सारे दांत ऐसे तोड़ डालूंगा कि ब्रश करने के लायक भी नहीं रहेंगे। चल मेरे साथ। दीदी मेरा हॉकी लेकर आओ। शांति शांति काजल, हमें ये लड़ाई लड़नी है लेकिन अपने तरीके से। सखू भाई को इंसाफ जरूर मिलेगा लेकिन सत्याग्रह के रास्ते से। लो कर लो बात, AK-56 के जमाने में ये सत्याग्रह की बात कर रही है। मैडम सत्याग्रह को अंग्रेज अपने साथ लेकर गए इंग्लैंड म्यूजियम में रखने के लिए। समझ गया, तुम्हारा नियत ही खराब है। ठीक है ये बैन लोग को अपना बाजा बजा लेने दो, फिर भी इंसाफ नहीं मिलेगा ना तो भाई लोग के पास आना। आप करना गलती से मैं आपके घर में चला आया। अरे ये तो मेरा ही घर है। ए, अंदर किधर? अंदर जा रहा हूँ। क्यों बगीचा समझ रखा है क्या? नहीं सुबह तक तो घर था, अभी बगीचा कैसे हो सकता है। सुबह तो सखू भाई की भी मान देती, अभी शाम को गुरखा भी आया गेट पर। मुझे क्या मालूम? नहीं आप तो पूछ नहीं रहे हो, एक बता रहा हूँ। अंदर महिला मुक्ति मोर्चे की सभा चल रही है, मैन आर नॉट अलाउड। कमाल है, मेरे घर में मुझे ही अलाउड नहीं है, क्या दादाजी रह गया? देखो बहन जी, घर में मेरे बच्चे अकेले हैं, मुझे अंदर जाना चाहिए, कहीं आपकी शक्लें देखे वो डर ना जाए, समझी? चलो फादर आप अंदर नहीं जाने थी, मेरा ही घर और मुझे अंदर नहीं जाने थी। सब क्या हो रहा है? ये बिन पैसे का तमाशा। की अध्यक्षा मिस मनोरमा माखीजानी से विनती करती हूँ कि वे इस जंग के मौके पे हमें कुछ मार्गदर्शन दें। देखा ही होगा
बर्तन मांझने वाली सकू भाई है। क्यों हो गई क्या? हमारे घर में टेबल पे बैठ के क्या कर रही है? नहीं तो इस ड्रामे की हीरोइन है। हीरोइन? बहनों, आज हमें वो प्लेटफॉर्म मिला है जिस पे खड़े रहकर हम इन मर्दों का मुंह काला कर सकते हैं। मर्द? यहाँ तो मैं अकेला मर्द हूँ। इसीलिए मैं सखू भाई को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जब जब औरतों ने मर्दों के सामने सर उठाया है, मर्दों ने घुटने टेक दिए हैं। घर घर की कहानी होगी, इसमें नई बात कौन सी है? अरे बड़े बड़े सुरमा अपने बीवी के सामने घुटनों पर चलते हैं। ये मर्द होते ही लातों के भूत हैं, इन्हें बातों से नहीं समझाया जा सकता, इसीलिए इनको हमेशा जूते की नोक पे रखना चाहिए। अब मैं मीनाक्षी जी से दरख्वास्त करूंगी कि वो कल का प्लान ऑफ एक्शन बताए। बहनों, कल सुबह हम सब यहाँ इकट्ठा होंगे और यहाँ से सखू भाई को साथ लेकर उसके पति के घर जाएंगे और उसके पति को हम आवेदन पत्र देंगे। लो, जैसे कि सखू भाई का पति चीफ मिनिस्टर है। उस आवेदन पत्र में उससे माफी मांगने और आईना इंसानों की तरह पेश आने की गारंटी ली जाएगी। उसके बाद हम सब बेलन से थाली पीटकर बगावत का ऐलान करेंगे। तो मेरी प्यारी बहनों, कल अच्छा सा बेलन और आवाज करने वाली थाली लाना न भूलिए। महिला मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद। बहनों, हमारी अगली सभा सुबह 10:30 बजे। चलिए आइएगा। हाँ, महिला मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, महिला मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, महिला मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, महिला मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद। डैडी, अब डरो मत, अब पुना है ना आपके साथ। तो है ना, जाना नहीं, आज पहली बार तेरी जरूरत नहीं। अबे चल के साथ। मीनाक्षी, क्या है? क्या मैं पूछ सकता हूँ ये सब क्या हो रहा है? इंसान, तुम लोगों ने मेरे घर को पानीपत का मैदान समझ रखा है क्या? देख बेटी, ये घर बड़ी मुश्किल से बसते हैं, इसमें ऐसी आग लगाना अच्छा नहीं है बेटी। और सखू भाई के पति ने उसको 10 नंबर की कोल्हापुरी चप्पल से मारा, क्या वो अच्छी बात है? उसके पास दूसरा जूता नहीं होगा। मेरा मतलब है कि पति पत्नी में झगड़े होते ही रहते हैं, घर में बर्तन होंगे तो आवाज करेंगी, इसलिए तुम्हें थालियां पीटने की क्या जरूरत है? क्या बात है डैडी, मानना पड़ेगा, औरतों पर अत्याचार करने वाले सब मर्द एक जैसे होते हैं, सबके बीच में कौवा जैसी यूनियन होती है। तू अपनी बात को कौवा बोली? अभी कौवा कबूतर बंद कीजिए, मुझे भूख लगी है। अरे भूख तो सबको लगी है, चलो मैं मुंह हाथ धो के आता हूँ, तब तक खाना लगाओ, टेबल पे बैठ के बात करते हैं। कौन सा खाना लगाएगी? हवा पानी, आज खाना बना ही नहीं इस सक्कू भाई के शो में। भाई मैं जाती हूँ। अरे नहीं सक्कू भाई, तुम कैसे जा सकती हो? अरे तुम तो हमारे घर की मेहमान हो। सुना, अब सक्कू भाई भी अपने घर की मेहमान है। डोंट वरी डैड, मैं अभी खाने का इंतजाम कर देती हूँ। हेलो, होटल श्रीदेवी, मैं मीनाक्षी माथुर बोल रही हूँ गगन विहार में से। देखो एक काम करो, 7 पाव भाजी और 25 एक्स्ट्रा ब्रेड भेजो। भाई मेरे को पाव भाजी अच्छी नहीं लगती। एक मिनट, तो तुम्हें क्या अच्छा लगता है? पिज्जा। ओ पिज्जा, अच्छा, लेकिन चीज वाला। हाँ हेलो, एक चीज पिज्जा भेजो। ओके ठीक है, चलो। अब्दुल्ला शादी में बेगाना दीवाना, सक्कू भाई के पिज्जा में आनंद माथुर का दीवाना। आज तो बिना को सलाम करने को जी करता है, ये 5-5 जानवरों को कैसे संभालती है? मुझे लगता है ये रिंग मास्टर से भी मुश्किल जॉब है। बेचारी 2 दिन घर से गई, घर का पूरा तबेला बन गया। Come on.
रही है। सो रही है? मैंने कहा वो कबड्डी खेल रही है, लेकिन मेरे कमरे में क्यों? तुझे अपनी बाप की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है क्या? ओ फॉर डैड मुझे शक है कि वो रात में खिसक जाएगी, और उसका इस जंग से निकल जाना यानी हमारी टीम के लिए सचिन तेंदुलकर का जीरो पे आउट हो जाने के बराबर है। इसलिए मैं उसको सुलाकर रात को दरवाजा बंद कर दूंगी। मेरे कमरे को लॉकअप समझ रखा है क्या तुम लोगों ने? पकड़ लिया किसी को, डाल दिया रूम में, अब मैं कहां सोऊं? डोंट वरी डैड, मैंने आपका बिस्तर फर्स्ट क्लास जगह पे रख दिया है किचन में। गए परदेश बहुत शानपति करता है क्या? कौन? दूसरे की बीवी को अपने घर में छुपा के रखते है क्या तू? दूसरे की बीवी? मेरे घर में तो मेरी बीवी नहीं है। क्यों? मेरी सखू नहीं है तुम्हारे घर में? सखू? अच्छा, तो तुम सखू के पति हो? तो क्या तू है? नहीं नहीं नहीं, इतना बुरा चॉइस नहीं है मेरा। थैंक गॉड तुम मिल गए। तुमको तुम्हारी बीवी वापस चाहिए ना? धुलाई करने? नहीं नहीं, वो अपन का प्यार करने का स्टाइल है कुछ अलग है यार। अलग है स्टाइल, अलग है। जोश में झापड़ गुस्सा चल जाता है, चल जाता है कभी कभी, चल जाता है। लेकिन अपन जानवर नहीं है। नहीं, बिल्कुल जानवर नहीं हो तुम। अपन का दिल भी उधर ही है। फेफड़ा बोलो, फेफड़ा। फेफड़ा होता है, दिल इधर होता है। अपन को इधर ही रखने का है। अपन का दिल है, किधर भी रखेगा। तुम बड़े लोग हमारे मामले में क्यों टांग अड़ाते रे? तुम्हारा बेटी हमारे घर में सखू और बाई लोगों को लेके आया था। बहुत बुरा भला कहा हमको, हमने कुछ नहीं बोला। हम बोला साहब लोगों का बचा कुचा चावल दाल खाया है हमने, गाली भी खा लेगा। तो चावल नहीं खाता, परवड़ता नहीं ना। तुमको तुम्हारी बीवी वापस चाहिए ना? मेरी भी जान छूट जाएगी। गणपत राव जी, घोरपड़े जी, जी जी जी, सखू भाई के पिताजी, पति जी। देखा गया ना? लेकिन चप्पल तो पांव में है। ठीक है, मुंह में भी पकड़ लेगा। मेरे को ये मोटी का डर लगता है। डर तो मेरे को भी लगता है। एक मिनट, काजल दादा यहाँ तो आना। अबे मैं डरने की कोई बात नहीं है, अभी कोई हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बोल, बोल। सखो, मैं तेरे को एक बात बोलने को आया। तेरे को क्या, ये भाई लोगों का सहाय है ना? तुरे ना इधर ही, मेरे को कौन है? इसलिए मैं चला रुक्मिणी के साथ दूसरा शादी कर ली। क्या तुम मेरे को छोड़ दोगे? मैंने नहीं, तूने छोड़ा है मेरे को। शादी में आना और गाना गाना, रुक्मणी रुक्मणी। शादी के बाद क्या क्या हुआ? तू डर मत सखू, हम सब तुम्हारे साथ है। अरे तुम्हारे साथ में तो मेरे सौसर का सत्यानाश हुए है, ये दूसरी शादी करने को चला है। ये ऐसे कैसे कर सकता है? हम इसे पुलिस को पकड़वा देंगे। नको नको भाई, ये पुलिस पुलिस का चक्कर नको, ये सब तुम बड़े लोगों का शौक है, पर हमारे लिए तो हमारे पति परमेश्वर होता है, और हम अपने परमेश्वर को पुलिस में नहीं पकड़ सकता। अरे स्टोरी में चल रही है। अरे भाई सखू भाई, सखू भाई कौन झूठा? चलो घर ला, आए बड़े रुक्मिणी वाले। चलता हूँ सर। थैंक यू सेम टू यू। चला एक मिनट। मेरी एक बात मानोगे? हो सके तो उस बेचारे पे हाथ मत उठाना। यू नो, जूता पहनने के लिए होता है, बीवी को पीटने के लिए नहीं।
कोशिश करेगा सब, मारपीट बगैर प्यार कर देगा। चलता है। अब आप लोग भी घर जाएंगे ताकि ये रण मैदान फिर से घर बन सके। ठीक है जाते हैं। चलो महिलाओं, अब वैसे भी इनके अंगने में हमारा क्या काम है? घर का बेदी लंका ढाए। ये मेरे को विभीषण बोली क्या? झूठ बोली, आप तो रावण के बाप हैं। रावण? ये रावण का बाप कौन है? शूर्पणखा। हेलो, मैं बीना बोल रही हूँ। वही शूर्पणखा, अब घर याद आया तुमको? घर सब ठीक ठाक है ना? अभी अभी ठीक किया है। अच्छा ठीक है, तो मैं 2 दिन के बाद आती हूँ। 2 दिन? 2 साल रुक जाओ। देखा, एक ही दवा ऐसी है जो दुनिया भर के औरतों का इलाज कर सकती है।